दिन पहले करीब 49 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और उनने बोला ये हम पॉलिटिक्स से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा एक इंसान की तरह और एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की तरह से दिल धड़कता है जब मुसलमान लोगों की लिंचिंग होती है। ऐसा उनने अपनी चिट्ठी में मोटा मोटा इस तरह की बात करी है और जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, जो मेरी नज़र में, मैं दिन रात हिंदुस्तान में घूमता हूँ, जो झूठ है। ये जो जय श्री राम के नारे लगाने की बात जो शुरू हुई है, ये भी एक्चुअली इसका प्रिल्यूड था, वो ट्रेलर था, और इसके बाद ये चिट्ठी आनी ही आनी थी, क्योंकि आप देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सारे नारे झूठ निकले। दूसरी बात जो है ये कहना कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को लिंच किया जाता है, पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि आप देखिए जब से मिस्टर मोदी की नई गवर्नमेंट बनी है तब से जो 5-6 लोगों की जो लिंचिंग हुई है उसमें मैक्सिमम नंबर तो हिंदू लोग हैं, उनमें दलित लोग भी हैं, और जब मुस्लिम लोग दलित को मारते हैं तो कोई नहीं बोलता है ये बात कि क्या बोलते हैं मुस्लिम्स ने दलित को मारा है। ये बेसिकली सारी पॉलिटिक्स मिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। ये लोग 2002 से मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनली कि ये कोई राक्षस आ गया है जो कि माइनॉरिटी को मारने में लगा हुआ है, और जो पूरी तरह से गलत नैरेटिव है। मेरा ऐसा विश्वास है कि गरीब लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव में रहने वाले लोगों के लिए और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के लिए पिछले 5 साल से अच्छा कोई वक्त था नहीं। इसीलिए आप देखिए कि उनकी मेजॉरिटी बढ़ के आई है और इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने भी वोट किया है। तो ये मैं फॉल्स नैरेटिव के अगेंस्ट हमने चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि लोगों को समझ में आए कि एक असली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और जो जनता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके खुद डिसाइड करे कि सच क्या है। इसलिए चाहते हैं हर समय हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहें। मेरा उसमें सजेशन ये है, हमको हिंदू मुस्लिम कॉन्वर्सेशन अब बंद करना चाहिए। एक किलिंग किलिंग होती है, वो एक क्राइम है, उसको धर्म के नाम पे जनता को डिवाइड नहीं करना चाहिए।